फ्रेंड्स, दुर्गाशाला में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हमारी स्लीव्स यहाँ तक की बन चुकी थी। अब हम इसमें आगे अपनी कटाई करते हुए इसकी लंबाई बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हमने अपनी स्लीव्स यहाँ तक की बना ली थी। अब इस वीडियो में हम इसकी कटाई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना पैटर्न आगे रिपीट करते हुए ये पैटर्न हमने यहाँ तक का बना लिया है। तो यहाँ तक की हमारी इसमें 90 सिलाइयाँ निकल चुकी हैं। 1 2 3 4 चार बार हमारी ये केबल इसमें बन चुकी है। अब हम इसमें आगे का पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपनी कटाई शुरू करेंगे। जो हमारे उल्टे फंदे हैं यहाँ पर हम इसमें कटाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना पहला फंदा सीधा बनाएंगे। उसके बाद देखिए, हमारे ये 8 फंदे उल्टे हैं, इसमें से हम 6 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और देखिए 6 फंदे बुने। इससे आगे 2 फंदे उल्टे हैं, 2 फंदों को हम 1 कर देंगे। यहाँ पर हमारा एक फंदा घट गया है। अब यहाँ पर हमारे 7 फंदे हैं, धागा पीछे करेंगे, आगे हमारे 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो ये 6 फंदे हमने सीधे बनाए। इससे आगे फिर धागा आगे करेंगे। अब ये उल्टे फंदे 16 हैं, 16 में से हमारे 14 फंदे बचेंगे। एक फंदा यहाँ घटाएंगे, एक फंदा हम लास्ट में घटाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 2 फंदे लेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे। इसके बाद फिर से हम बीच के फंदे अपने उल्टे बुन लेंगे, 2 फंदे छोड़कर बाकी के फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बीच के फंदे बुन लिए हैं, लास्ट के 2 फंदे हमारे उल्टे बचे हैं। 2 फंदों को हम ऐसे लेंगे, 2 फंदों का 1 कर देंगे। तो 16 फंदे में से अब हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बचे हैं। एक फंदा हमने यहाँ पर घटाया, एक फंदा यहाँ पर, स्टार्टिंग में एक फंदा हमने यहाँ पर घटाया था। धागा पीछे करेंगे, 6 फंदे अपने सीधे बुनेंगे। तो हमने अपने ये 6 फंदे सीधे बुने। इसके बाद फिर से हम धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का फिर से 1 करेंगे। बीच के फंदे हम अपने उल्टे बुनेंगे सारे फंदे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बीच के फंदे बना लिए हैं। अब इधर की साइड से भी हमारे 2 फंदे बचे हैं, यहाँ पर भी हम 2 फंदों का 1 करेंगे। एक फंदा हमने यहाँ घटाया, एक फंदा हमने यहाँ पर घटाया। फिर से धागा पीछे करेंगे, 6 फंदे अपने सीधे बुनेंगे। जो हमारे केबल के फंदे हैं इन्हें हम सीधा ही बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे। एक फंदा अब हम यहाँ पर घटाएंगे, 2 फंदे लेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे। धागा हमारा इधर ही रहेगा, आगे के फंदे हम उल्टे बुनते हुए ये सिलाई अपनी कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे देखिए यहाँ पर अब 7 फंदे बच गए 8 में से, एक हमने यहाँ पर घटा दिया है। धागा पीछे करेंगे, लास्ट का फंदा हम अपना सीधा बुनेंगे। तो देखिए, इस सिलाई में हमारे 2 फंदे यहाँ पर घटे, 2 फंदे यहाँ पर, 2 फंदे यहाँ पर, तो हमारे 6 फंदे इसमें से टोटल घट गए हैं। तो इस सिलाई में फ्रेंड्स हमारे देखिए, तो फ्रेंड्स इसमें हमारे 68 फंदे थे, 68 फंदों में से हमने 6 फंदे घटा दिए हैं। तो यहाँ पर हमारे 62 फंदे अब यहाँ पर ये बचे हैं। तो इस सिलाई को बनाने के बाद हम इसकी उल्टी साइड, तो फ्रेंड्स हम उल्टी साइड हैं, उल्टी साइड से पहला फंदा हमारा उल्टा ही बनेगा। इसे हम उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे हम सीधे बुनेंगे। जो हमारे सीधे फंदे हैं उनको सीधा ही बुनेंगे, और जो हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम उल्टा ही बुनेंगे। तो ये सिलाई भी अपनी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी उल्टी तरफ की सिलाई बना ली है, अब हम इसकी सीधी तरफ हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सब सीधी तरफ हैं, सीधी तरफ से पहला फंदा हम अपना सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे। अब यहाँ पर हमारे 7 फंदे हैं, इन्हें हम 7 फंदों को ही उल्टा बुनेंगे। तो हमारी ये घटाई के बाद तीसरी सिलाई है, एक सिलाई घटाई वाली फिर उल्टी, अब ये सीधी सिलाई है तो तीसरी सिलाई है। इसे हम वैसे ही निकाल लेंगे, जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बुनेंगे। उल्टे फंदे को उल्टा बुना, सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे। इस सिलाई में हमारी कोई घटाई नहीं होगी। तो तीसरी सिलाई को सेम बनाते हुए हम निकाल लेंगे, उल्टे फंदे पर उल्टे, सीधे फंदे पर सीधे, फिर से उल्टे, फिर से सीधे, ऐसे ही पूरी सिलाई निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सिलाई हमने अपने बुनते हुए निकाल लिया, इसमें कोई भी कटाई नहीं की है। 14 फंदे 14 बनाए, 6 अपने सीधे बनाए। तो इसी तरीके से ये सिलाई बनाते हुए कंप्लीट की है। अब हम इसकी उल्टी साइड है।
फ्रेंड्स उल्टी साइड से हम पहला फंदा बना उल्टा ही बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे सीधे बनाएंगे और उल्टे फंदे उल्टे बनाएंगे। तो हम उल्टी सिलाई निकाल लेते हैं अपनी, सीधे फंदे सीधे बनाते हैं, उल्टे फंदे उल्टे बनाते हुए। तो फ्रेंड्स हमने अपनी उल्टी सिलाई बना ली है, सीधे पर सीधे और उल्टे पर उल्टे बनाते हुए। अब हम इसकी सीधी साइड है, तो फ्रेंड्स हम इसकी सीधी तरफ हैं। अब हमारी ये कटाई के बाद की पांचवी सिलाई है। चौथी सिलाई हमने उल्टी तरफ से निकाल ली, सीधी तरफ से पांचवी सिलाई है। इस सिलाई में फिर से हम कटाई करेंगे, पहला फंदा सीधा बनाएंगे, सात फंदों में से पांच फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे बुने, दो फंदे आगे उल्टे हैं, दो फंदों का एक कर देंगे। तो एक फंदा हमारा यहाँ पर कट गया, छः फंदे हमारे यहाँ पर बचे हैं। अब धागा पीछे करेंगे, फिर से हम छः फंदे अपने सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम अपना यहाँ पर भी घटाएंगे, एक फंदा घटाया हमने, बीच के फंदे दस बुनेंगे, तो यहाँ पर अब हमारे बारह फंदे बचेंगे, तो उल्टे फंदे हम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स बीच के फंदे हमने बुन लिए हैं, इधर भी हमारे दो फंदे बचे हैं उल्टे, ये देखिए दो फंदों का भी हम ऐसे लेंगे, दो फंदों का एक कर देंगे। तो एक फंदा हमने यहाँ पर घटाया, एक यहाँ पर, यहाँ पर अब हमारे बारह फंदे बचे हैं दोनों तरफ एक एक फंदा घटाने के बाद। फिर से धागा पीछे करेंगे, छः फंदे हम अपने सीधे बुनेंगे, तो इसी तरीके से छः फंदे सीधे, दो एक फंदा यहाँ घटाएंगे, एक फंदा यहाँ, बीच के फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर से छः फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा हम अपना यहाँ पर घटाएंगे। तो ये सिलाई हम अपनी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सिलाई हमने अपनी बना लिया, एक फंदा यहाँ घटाया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस सिलाई में हमारे 62 फंदे थे, 62 फंदे में से हमने 6 फंदे घटा दिए, तो अब यहाँ पर मेरे 56 फंदे मेरे अब यहाँ पर बचे हैं। तो इस सिलाई के बाद अब हम इसकी उल्टी साइड है। तो फ्रेंड्स उल्टी तरफ की साइड है, तो उल्टी तरफ से सेम बनाएंगे अपनी सिलाई, उल्टे फंदे पर उल्टा और सीधे फंदे पर सीधा बनाते हुए। तो ये सिलाई भी हम अपनी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने उल्टी तरफ की सिलाई निकाल ली है, अब हम इसकी सीधी तरफ है। तो फ्रेंड्स हम सीधी साइड है, सीधी साइड में देखिए अब हमारी यहाँ पर केबल बनेगी। तो सबसे पहले तो एक फंदा सीधा बनाएंगे, छः फंदे हमारे उल्टे हैं, इन्हें हम उल्टा ही बुन लेंगे। इस सिलाई में हमारी कोई कटाई नहीं होगी, कटाई के बाद की हमारी ये तीसरी सिलाई है। तो इन छः फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे, कोई कटाई नहीं करेंगे, धागा पीछे करेंगे, छः फंदों पर केबल बनाएंगे अपनी, पीछे से तीन फंदों में हम जो हमारे पीछे के तीन फंदे हैं उसमें हम सिलाई डालेंगे पीछे की साइड से, एक दो तीन, तीन फंदों में सिलाई डाली, उतारेंगे नीचे, आगे के तीन फंदे आगे की साइड से उसी सिलाई में डाल लेंगे, पीछे के फंदों को भी पीछे की साइड से आगे ला कर उसी सिलाई में डाल लेंगे। अब हम अपने छः फंदों को सीधा बुनेंगे। तो छः फंदे हमने सीधे बुने, धागा आगे, उल्टे फंदे फिर से हमारे बारह फंदे हैं बीच में, इन्हें हम उल्टा ही बुनेंगे, कोई कटाई नहीं करेंगे, यहाँ पर भी इन फंदों को उल्टा बुनेंगे, उल्टे फंदों को उल्टा, फिर से केबल, उल्टे फंदों को उल्टा, केबल, फिर से उल्टा। तो ये सिलाई भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सिलाई हमने केबल बनाते हुए अपनी कंप्लीट की है, अब हम इसकी उल्टी तरफ है। तो फ्रेंड्स उल्टी तरफ की सिलाई बनाएंगे, पहला फंदा हमारा उल्टा बनेगा, इससे आगे के फंदे सीधे बनेंगे। तो देखिए छह फंदे हमारे यहाँ पर सीधे बनेंगे, उसके बाद हमारे उल्टे फंदे हैं, उल्टे बनाएंगे। तो उल्टे फंदे पर उल्टा और सीधे फंदे पर सीधा बनाते हुए ये सिलाई निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये सिलाई हमने कंप्लीट की है, अब हम इसकी सीधी तरफ है। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी सीधी तरफ है और कटाई के बाद हमारी पांचवी सिलाई है, चार सिलाई हमारी निकल चुकी है। तो पांचवी सिलाई में फिर से हम अपने फंदे की कटाई करेंगे, पहला फंदा सीधा बनाएंगे, यहाँ पर छः फंदे हैं, छः में से चार फंदे बुन लेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे बुने, दो फंदे उल्टे हैं, दो फंदों का एक करेंगे। तो एक फंदा यहाँ पर हमारा घट गया, पांच फंदे बचे, धागा पीछे, छह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे सीधे बुने, धागा आगे, एक फंदा हम यहाँ पर घटाएंगे, दो फंदे लेंगे,
दो फंदों को एक, बीच के फंदे हम अपने उल्टे बुनेंगे, लास्ट के दो फंदों का फिर से हम दो को एक करेंगे उल्टे फंदों में से। तो देखिए हमने अपने बीच के फंदे बुने, दो फंदे बचे, दोनों फंदों का एक करेंगे। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फंदे उल्टे बचे हैं, धागा पीछे करेंगे, 6 फंदे अपने सीधे बुनेंगे। तो इसी तरीके से हम आगे की सिलाई निकाल लेंगे, 6 सीधे, दो फंदों का एक, बीच के फंदे उल्टे, फिर से दो फंदों का एक, फिर से 6 फंदे सीधे, दो फंदों का एक उल्टे फंदे। तो इसी प्रकार बनाते हुए ये सिलाई भी कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपनी सिलाई में हमने फंदे घटाते हुए ये सिलाई कंप्लीट की है। इसमें मेरे 56 फंदे थे, 56 फंदों में से हमने 6 फंदे घटा दिए हैं। तो अब मेरे यहाँ पर 50 फंदे यहाँ पर बचे हैं। तो इस सिलाई को बनाने के बाद हम उल्टी साइड है। तो अब हम उल्टी साइड हैं, उल्टी साइड से जो फंदा हमारा जैसा है वैसे बुनेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे और सीधे फंदों को सीधा बुनेंगे। तो हम अपनी उल्टी तरफ की सिलाई भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अपनी उल्टी तरफ की सिलाई बना ली है, सीधे फंदों पर सीधे, उल्टे पर उल्टे बनाते हुए। अब हम इसकी सीधी तरफ हैं। तो फ्रेंड्स हम सीधी तरफ हैं, सीधी तरफ से हमारी ये तीसरी सिलाई है घटाई के बाद। एक सिलाई में हमने सीधी में घटाई की, फिर उल्टी निकाल ली, अब सीधी तरफ है, तो तीसरी सिलाई है। इसे हम बिल्कुल सेम वैसे ही बनाएंगे जैसा हमारा फंदा है, वैसे ही बुनते जाएंगे। पहला फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा ही बुनेंगे 5 फंदों को, धागा पीछे, 6 फंदे सीधे, 6 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 10 फंदे हमारे उल्टे हैं, इन 10 फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे। इस सिलाई में कोई भी घटाई नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से ये सिलाई हम अपनी पूरी कंप्लीट करेंगे, उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बनाते हुए। तो फ्रेंड्स हमने अपनी सीधी तरफ की सिलाई निकाल ली है, उल्टे फंदे उल्टे बुने, सीधे फंदे सीधे बुने। तो अब हम इसकी उल्टी साइड है। तो फ्रेंड्स उल्टी तरफ है, उल्टी तरफ से भी ऐसे ही बनाएंगे, उल्टे फंदे पर उल्टा और सीधे फंदे पर सीधा। तो ये सिलाई भी हम अपनी देखिए, सीधे फंदे बुने, उल्टे फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये सिलाई भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने उल्टी तरफ की सिलाई निकाल ली है, अब हम इसकी सीधी तरफ है। तो फ्रेंड्स हम सीधी साइड है, सीधी साइड से हमारी ये घटाई के बाद की पांचवी सिलाई है। तो इस सिलाई में अब हम फंदा घटाएंगे, पहला फंदा सीधा बुनेंगे, 5 फंदों में से पहले 3 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3, 3 फंदे बुने, दो फंदे आगे उल्टे हैं, दो फंदों का एक करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे 4 फंदे बचे हैं, धागा पीछे, 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो हमने अपने 6 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, दो फंदे लेंगे, दो फंदों का एक कर देंगे, बीच के 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे, उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे बुने, दो फंदों का एक करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे 8 फंदे बचे हैं, एक तो हमारा घटाई वाला इधर है, एक इधर है बीच के 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे बचे हैं, धागा पीछे, फिर से 6 फंदे सीधे, फिर से यहाँ पर घटाई, 6 फंदे सीधे, फिर से यहाँ पर घटाई। तो इसी तरीके से ये सिलाई भी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये सिलाई हमने बना ली है, इस सिलाई में हमने फंदे घटाए हैं, तो 50 फंदों में से हमने 6 फंदे घटाए हैं। तो अब यहाँ पर मेरे 44 फंदे यहाँ पर मेरे अब ये बचे हैं। तो इस सिलाई को बनाने के बाद अब हम इसकी उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड से फिर से हम अपने फंदे बनाएंगे, उल्टे पर उल्टा, धागा पीछे, सीधे पर सीधा। तो जो फंदे सीधे हैं उन्हें सीधा बनाएंगे, जो फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सिलाई हमने कंप्लीट की है, उल्टे पर उल्टे सीधे पर सीधे बनाते हुए। इस सिलाई के बाद हम सीधी साइड है। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी सीधी तरफ हैं, सीधी तरफ से अब हमारी केबल बनेगी। केबल के बाद हमारी यहाँ पर 6 सिलाइयाँ निकल चुकी हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे, अपने 4 फंदे उल्टे ही बुनेंगे। घटाई के बाद की तीसरी सिलाई है, इसमें कोई भी घटाई नहीं होगी। तो जो हमारे उल्टे फंदे हैं उन्हें हम उल्टा ही बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, केबल बनाएंगे, 3 फंदों में हम पीछे की साइड से सिलाई को डाल लेंगे। तो 3 फंदों में सिलाई डाली,
उतारेंगे आगे के तीन फंदे आगे की साइड से उसी सिलाई में, पीछे के तीन फंदे पीछे की साइड से भी उसी सिलाई में, छह फंदों को सीधा बुनेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ, धागा आगे, बीच के हमारे फंदे हम आठ फंदे ये उल्टे बुनेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात और एक ये आठ, आठ फंदे बुने तो फिर से केबल बनाएंगे, उल्टे बुनेंगे केबल उल्टे, तो इसी तरीके से ये सिलाई भी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने अपनी सीधी तरफ की सिलाई ये केबल बनाते हुए कंप्लीट की है। अब हम इसकी उल्टी साइड हैं और ये हमारी कटाई के बाद की चौथी सिलाई है। तो फ्रेंड्स उल्टी तरफ है, उल्टी तरफ से भी वैसे ही बनाएंगे अपनी सिलाई, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे और सीधे फंदों को सीधा बुनेंगे। चार फंदे सीधे छह फंदे उल्टे, तो ये सिलाई भी अपनी उल्टे पर उल्टा सीधे पर सीधा बनाते हुए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सिलाई भी हमने निकाल लिया, अब हम इसकी सीधी तरफ है। तो फ्रेंड्स हम सीधी साइड हैं, सीधी साइड से अब हमारी कटाई की बात की है पांचवी सिलाई है। इस सिलाई में हम कटाई करेंगे, तो सबसे पहले तो हम पहला फंदा अपना सीधा बनाएंगे, धागा आगे, चार फंदों में से दो फंदे बुनेंगे, एक दो, दो फंदे लेंगे दो फंदों का एक कर देंगे, तो एक फंदा कटाने के बाद तीन फंदे बचे हैं, धागा पीछे। अब हम अपने यहाँ पर छह फंदे सीधे बुनेंगे, तो ये फंदे हमने छह सीधे बुने, धागा आगे, एक फंदा यहाँ पर कटाएंगे एक और एक ये दो, दो फंदे लिए दो फंदों का एक, बीच के फंदे हम अपने उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे बुने, दो फंदे बचे हैं दो फंदों का एक करेंगे, तो यहाँ पर अब हमारे छह फंदे उल्टे बचे हैं, धागा पीछे। फिर से हम अपने सीधे फंदे सीधे बुनेंगे, सीधे सीधे फंदे सीधे बुनेंगे, दो फंदों का एक, दो फंदों का एक करते हुए ये सिलाई भी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसमें अपने फंदों की कटाई करते हुए ये सिलाई निकाल ली है, दो यहाँ पर दो यहाँ फंदे कटाए हमने, 44 फंदों में से हमारे 6 फंदे कट गए हैं, तो 38 फंदे अब यहाँ पर मेरे ये बचे हैं 38। तो इस सिलाई के बाद अब हम इसकी उल्टी साइड, तो अब हम उल्टी साइड हैं, उल्टी साइड से फिर से वैसे ही बनाएंगे, उल्टा फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे सीधे, तीन फंदे सीधे छह फंदे उल्टे, तो इस सिलाई को उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बनाते हुए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने उल्टी तरफ की सिलाई बना ली है, अब हम इसकी सीधी तरफ है। तो फ्रेंड्स हम सीधी साइड हैं, सीधी साइड से पहला फंदा सीधा, अब इसमें कोई कटाई नहीं होगी, तीसरी सिलाई है हमारी ये, तीसरी सिलाई को हम उल्टे फंदे पर उल्टा और सीधे फंदे पर सीधा बुनते हुए निकाल लेंगे। तीन फंदे उल्टे थे तीन बुने, छह फंदे सीधे, छह फंदे सीधे बुने, धागा आगे, आगे हमारे छह फंदे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा ही बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच और छह, फिर से छह फंदे सीधे, तो इसी तरीके से सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा बनाते हुए ये सिलाई निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हम इसकी उल्टी साइड है, उल्टी साइड से फिर से अपनी सिलाई वैसे ही निकाल लेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे और सीधे फंदे को सीधा बनाएंगे। घटाई के बाद हमारी ये चौथी सिलाई है, इसको भी हम उल्टे फंदे पर उल्टा और सीधे पर बुनता हुआ सीधा फंदा बुनते हुए निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने उल्टी तरफ की सिलाई बना ली है, अब हम इसकी सीधी तरफ है। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी सीधी साइड है, सीधी साइड से फिर से पहला फंदा सीधा, धागा आगे, अभी ये मेरी पांचवी सिलाई है घटाई के बाद की, तो तीन फंदों में से एक फंदा बुनेंगे, दो फंदों का एक कर देंगे, तो अब यहाँ पर दो फंदे बचे हैं, धागा पीछे, छह फंदों को सीधा बुनेंगे, जो हमारे केबल वाले फंदे हैं इन्हें हम सीधा ही बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, छह फंदों में से पहले हम दो फंदों का एक करेंगे, दो फंदे बीच के उल्टे बुनेंगे, एक दो, दो फंदों का फिर से हम एक करेंगे, तो यहाँ पर अब हमारे चार फंदे बचे हैं, धागा पीछे, फिर से छह फंदे सीधे,
फिर से यहाँ पर घटाई, यहाँ पर घटाई, फिर से यहाँ पर घटाई, तो इसी तरीके से ये सिलाई भी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये सिलाई भी हमने फंदे घटाते हुए अपने कंप्लीट की है। तो इसमें मेरे 38 फंदे थे, 38 फंदों में से हमने 6 फंदे घटा दिए, तो अब मेरे 32 फंदे यहाँ पर बचे हैं, 32 फंदे। तो इस सिलाई को निकालने के बाद अब हम इसकी उल्टी तरफ है। तो फ्रेंड्स उल्टी साइड है, उल्टी साइड से उल्टा फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे बनेंगे, फिर से 6 फंदे हमारे उल्टे, तो उल्टे फंदे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बनाते हुए ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स उल्टी तरफ से निकाल लिया सिलाई, अब हम इसकी सीधी तरफ है। तो फ्रेंड्स हम सीधी साइड है, घटाई के बाद की मेरी ये तीसरी सिलाई है, इसे हम जो फंदा जैसा वैसे ही बुनेंगे। पहला फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब यहाँ पर हमारी केबल बनेगी, इस केबल के बाद हमारी 6 सिलाई निकल चुकी हैं, तो यहाँ पर केबल बनाएंगे। 3 फंदों में हम देखिए पीछे की साइड से सिलाई को डालेंगे, 3 फंदों में हमने सिलाई डाली, इन्हें नीचे उतारेंगे, आगे के 3 फंदों को आगे की साइड से उसी सिलाई में डालेंगे, पीछे वाले फंदों को भी पीछे की साइड से आगे लाकर उसी सिलाई में डाल लेंगे। 3 फंदों को भी सीधा बुनेंगे और दूसरे 3 फंदों को भी, यानी कि 6 के 6 फंदों को यहाँ पर हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने केबल बनाई और 6 फंदों को सीधा बुन लिया। धागा आगे करेंगे, बीच में 4 फंदे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा ही बुन लेंगे, 1 2 3 4। इस सिलाई में कोई कटाई नहीं होगी, तीसरी सिलाई है हमारी ये कटाई के बाद की। तो यहाँ पर केबल बनाएंगे उल्टे, केबल उल्टे, तो इस तरीके से ये सिलाई भी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड ये सिलाई हमने बना लिया, इसमें हमने अपनी केबल बनाई है। तो इस सिलाई के बाद हम उल्टी साइड है। तो हम उल्टी साइड है, उल्टी साइड की हमारी पहला फंदा उल्टा बनेगा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा आगे। तो फ्रेंड्स उल्टे फंदे पर उल्टे और सीधे फंदे पर सीधे बनाते हुए हम अपनी ये उल्टी तरफ की सिलाई भी कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने अपनी उल्टी तरफ की सिलाई बना ली है, अब हम इसकी सीधी तरफ है। तो फ्रेंड्स अब हम सीधी साइड है और कटाई के बाद की हमारी पांचवी सिलाई है। इस सिलाई में फिर से हमारी कटाई होएगी, पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे, आगे दो फंदे उल्टे हैं, दो फंदों का एक कर देंगे, दो फंदों का एक किया, एक फंदा यहाँ पर बचा है हमारा उल्टा, धागा पीछे, 6 फंदे अपने सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, आगे हमारे 4 फंदे उल्टे हैं, दो फंदों का एक करेंगे, दोबारा से दो फंदों का एक करेंगे, दो फंदे घट गए, दो फंदे बचे हैं, धागा पीछे, 6 फंदे सीधे। तो ये सिलाई पूरी ऐसे ही निकाल लेंगे, 6 सीधे, दो का एक, दो का एक, 6 सीधे, दो का एक, तो ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो ये सिलाई फ्रेंड्स हमने अपने निकाल लिया फंदे घटाते हुए। तो इसमें मेरे 32 फंदे थे, 6 फंदे हमने घटा दिए, 26 फंदे अब मेरे यहाँ पर बचे हैं, 26 फंदे। तो इस सिलाई के बाद अब हम इसकी उल्टी साइड है। तो फ्रेंड्स उल्टी साइड है, उल्टी साइड की सिलाई हम अपनी वैसे ही निकाल लेंगे, उल्टे फंदे पर उल्टा बनाएंगे, सीधे फंदे पर सीधा बनाएंगे, पहला फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 6 फंदे उल्टे, 6 फंदे हमने ये उल्टे बनाए। इसके बाद दो फंदे बचे हमारे, दो फंदों को सीधा बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये सिलाई हम अपनी पूरी कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने अपनी ये उल्टी तरफ की सिलाई भी निकाल ली है, तो अब हम इसकी सीधी तरफ है। तो फ्रेंड्स हमारी ये स्लीव्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ऊपर हमारे यहाँ पर 26 फंदे इसमें बचे हैं। तो देखिए इसमें हमने जो हमने फंदे घटाए हैं वो हमने पहले से 91 नंबर की सिलाई में घटाए, उसके बाद 95 में, फिर 99 में, 103 में, 107 में, 111 में, 115 में, हमने इन इन नंबर की सिलाई में अपने ये फंदे यहाँ पर घटाए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारे 68 फंदे थे, यहाँ तक जहाँ तक हमने अपना ये पैटर्न बनाया यहाँ तक हमारे 68 फंदे थे। 68 फंदे में से हमने 6 6 फंदे 7 बार यहाँ पर घटाए हैं।
तो 68 फंदे में से हमारे 42 फंदे यहाँ पर घट गए हैं। 42 फंदे घटाने के बाद हमारे 26 फंदे अब ऊपर ये इसमें बचे हैं, 26 फंदे। तो फ्रेंड्स हमारी ये स्लीव्स बनकर तैयार हैं। तो जैसे हमने अपनी एक स्लीव्स ये बनाई है, इसी तरीके से हम अपनी एक स्लीव्स और बना लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने अपनी दूसरी स्लीव्स भी बना ली है, दोनों स्लीव्स बनकर हमारी तैयार हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे चारों पीस बनकर तैयार हैं, फ्रंट साइड का स्लीव्स, बैक साइड और स्लीव्स, चारों पीस बनकर हमारे तैयार हैं। अब हम इसका गला बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे चारों पीस बन चुके हैं, अब हम इसमें अपना गला बनाएंगे। तो हम इसके सीधी साइड से हमारे चारों पीस ये है। तो देखिए फ्रेंड्स जो हम इसका गला बनाएंगे, गले में हमारे फंदे 120 हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे फ्रंट साइड में 34 फंदे हैं, फिर एक स्लीव्स में हमारे 26 फंदे हैं, फिर से हमारे ये बैक साइड में 34 फंदे हैं, स्लीव्स में हमारे 26 फंदे हैं। तो इन सबको प्लस करके हमारे 120 फंदे टोटल इसमें बने हैं। तो अब हम इसको बुनेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपनी गले वाली सिलाई लेंगे, जिसकी हमारी दोनों तरफ से ये नोक होती है। इन सिलाइयों में हम अपना ये गला बनाएंगे। तो हम एक फ्रंट साइड का पीस लेंगे। तो इसमें हमारा देखिए धागा ये लगा हुआ है, बाकी के हमने धागे सिलाई के लिए रखकर काट दिए हैं, जितने सिलाई के चाहिए उतने रखकर हमने काट दिए हैं। तो ये हमने फ्रंट साइड का एक पीस लिया, इसमें से देखिए हम ये सिलाई ली है हमने। पहला फंदा हम अपना सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। तो एक सीधा एक उल्टा फंदा बुनते हुए ये सिलाई हम अपनी पूरी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हम यहाँ पर आए, ये फंदा मैंने सीधा बुना है, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक सीधा और एक फंदा उल्टा। तो ये सिलाई हमने निकाल ली। अब हम अपनी ये स्लीव्स लेंगे, स्लीव्स में से भी हम ऐसे ही बुनेंगे। देखिए ये फंदा हमने उल्टा बुना है, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो देखिए जो पहला फंदा था हमारा इस धागे के साथ का है, इसे हम ऐसे टाइट कर लेंगे। तो ये एक फंदा हमने सीधा बुना, एक फंदा उल्टा, सीधा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा उल्टा सीधा उल्टा। तो ऐसे ही हम अपने ये यहाँ तक के फंदे हम अपने बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ तक के फंदे बुन लिए, ये हमारा उल्टा फंदा आया है। अब इतने फंदे बचे हैं, तो इस सिलाई को हम टाइट करेंगे, हम अपनी दूसरी सिलाई लेंगे। तो ये हमने उल्टा फंदा बुना है, इसे हम सीधा बुन देंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। तो ये सिलाई भी ऐसे ही हम अपनी बना लेंगे, एक सीधा एक उल्टा बना। तो फ्रेंड्स हमने अपने ये फंदे बना लिए, लास्ट में मेरा उल्टा फंदा आया है, इस सिलाई को भी हम रखेंगे। अब हम अपना ये बैक साइड का पीस लेंगे, तो इसको भी हम इस सिलाई में ही बुनेंगे। ये हमने उल्टा फंदा बनाया था, धागा पीछे करेंगे, ये वाला फंदा हमारा सीधा बनेगा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से उल्टा, फिर से सीधा। तो ऐसे ही बनाते हैं फ्रेंड्स, इतने फंदे छोड़कर ये इतने फंदे हम अपने इस सिलाई में बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ तक के अपने ये फंदे इतने इसमें बना लिए। अब हम इसमें अपनी तीसरी सिलाई लेंगे, दोनों तरफ से नोक वाली। तो इससे आगे के फंदे हम इसमें बनाएंगे, ये हमने सीधा फंदा बनाया था अपना लास्ट का, आगे धागा करेंगे। देखिए आगे धागा किया हमने, इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, ये फंदा उल्टा बनाया, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा सीधा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करते हुए हमने अपनी ये सिलाई भी कंप्लीट की है। तो ये फंदा सीधा और लास्ट का फंदा हमारा उल्टा। इस सिलाई को रखते हुए अब हम अपनी एक स्लीव्स लेंगे, तो स्लीव्स के फंदे भी हम इसी तरीके से बुनेंगे। तो फ्रेंड्स अब स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। देखिए ये फंदा हमने उल्टा बुना था, धागा पीछे करेंगे। अब स्लीव्स के सारे फंदे हम अपने इस सिलाई में बुनेंगे,
एक फंदा पहला हमारा सीधा बनेगा, इससे आगे वाला फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तो एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हैं फ्रेंड्स, ये सिलाई भी हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने अपने ये फंदे भी इस सिलाई में बुन लिए हैं। तो देखिए हमने चारों पीस अपने ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब ये धागा हमारा इस सिलाई में है, इधर से हम इस सिलाई को पकड़ेंगे, पहली सिलाई में जो हमने फंदे ज्वाइन किए थे, इस सिलाई के फंदों को हम बनाएंगे। अब तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इस सिलाई में धागा है, इस सिलाई को बुनेंगे हम। ये फंदा हमारा उल्टा था तो इस फंदे को अब हम सीधा बुनेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस फंदे को इस धागे से हम सीधा बुन लेंगे, ये हमने सीधा बुना, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तो ये सिलाई हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस सिलाई के फंदे हमने बना लिए, अब हम इस सिलाई के फंदे बनाएंगे। तो लास्ट का फंदा मेरा उल्टा बना है, धागा पीछे करेंगे, इस वाले फंदे को हम, जो सिलाई हमारी खाली होती रहेगी उसे हम अगली बार में ज्वाइन करते रहेंगे। तो इस सिलाई में भी हम पहला फंदा सीधा बनेगा हमारा, इससे आगे वाला हमारा उल्टा बनेगा, फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। थोड़ी सी तीन चार सिलाई बनाने तक हमें इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो तीन चार सिलाई के बाद हमारा ये सही तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा उल्टा। तो इस सिलाई को भी निकाल लेते हैं। तो देखिए सिलाई बनाते हम लास्ट में आ गए हैं, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो हमने ये सिलाई बनाई, अब देखिए हम तीसरी सिलाई पर हैं। तो इस सिलाई में भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो पहला फंदा हमारा उल्टा बनेगा, धागा आगे करेंगे, इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, फिर से एक फंदा सीधा। इस सिलाई को भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने अपनी ये सिलाई भी बना ली है, रो नंबर टू हमारी पूरी बनकर तैयार है। तो अब हम इसकी स्टार्टिंग वाली सिलाई पर हैं। तो फ्रेंड्स हम इसकी सीधी साइड या थर्ड रो पर, तो इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, सीधा है हमारा फंदा, एक फंदा उल्टा। तो जैसे हमने रो नंबर टू बनाई है उसी तरीके से बनाते हैं हम अपने इसके गले की लंबाई बना लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने अपने नेक की लंबाई बना ली है, यहाँ से यहाँ तक हमने जो इसमें सिलाइयाँ निकाली हैं 30 सिलाइयाँ हमने इसमें ये निकाली हैं। तो फ्रेंड्स हमारे नेक की लंबाई पूरी बन चुकी है, अब हम अपने इन सारे फंदों को बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स हम भी हम सारे फंदों को इनको बंद करेंगे। तो देखिए एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, इससे आगे वाला फंदा जो हमारा उल्टा है इसे भी हम सीधा ही बुन देंगे, यानी कि सीधा बुनते ही हम इन फंदों को बंद करेंगे। तो दो फंदे सीधे बुने, पहला फंदा हम दूसरे फंदे के ऊपर से उतार देंगे। तो एक फंदा हमने बंद किया, इसी तरह से दूसरा फंदा और सीधा बुनेंगे, इसे भी उतार देंगे। तो इसी तरीके से एक एक फंदा हम सीधा बुनते हुए जाएंगे और जो सिलाई में हमारा एक फंदा है उसे हम उसके ऊपर से उतार देंगे। तो देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स हम अपने तीनों सिलाई के फंदे अपने इसी तरीके से बंद करेंगे। एक फंदा सीधा बुना, पहला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से उतार दिया, फिर से एक फंदा सीधा बुना, इसे भी हम उतार देंगे। तो ये फंदे हम अपने बंद कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अपने सारे फंदे हमने बंद कर दिया तीनों सिलाई में से, लास्ट का एक फंदा यहाँ पर मेरा बचा है। अब इस फंदे को भी देखिए, इससे आगे वाला हमारा सीधा फंदा है, इसमें से यहाँ से हम इस फंदे को एक फंदा यहाँ से हम बढ़ा लेंगे। तो एक फंदा यहाँ से हमने उठाते हुए सीधा फंदा बुना, तो इस फंदे को भी हम पहले वाला जो हमारा फंदा है इसके ऊपर से हम इस फंदे को भी उतार देंगे। देखिए इस फंदे को हमने यहाँ पर बंद किया, तो ये सारे फंदे यहाँ पर हमारे घट गए हैं, एक फंदा लास्ट का बचा है हमारा। तो धागा कट करके हम इस फंदे को भी बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने धागा काट दिया है, अब इस फंदे के अंदर से हम इस धागे को भी निकालते हुए ये फंदा भी अपना यहाँ पर बंद कर देंगे। तो ये देखिए फंदा भी हमने बंद कर दिया और हमारा गला बनकर तैयार है।
तो फ्रेंड्स हमारा गला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमारा स्वेटर ये तैयार है, इसकी अब हम सिलाई करेंगे। तो देखिए सिलाई के लिए हम इसको पहले उल्टा करेंगे, उल्टा इस दो पीस को हम ऐसे पकड़ेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई करते हुए जो हमारा ये येलो वाला पार्ट है तो इसको आपस में ऐसे हम यहाँ पर करेंगे। तो इधर की साइड से हम सुई में धागा डालेंगे, यहाँ की साइड हमारे ये धागे हैं। तो सुई में धागा डालते हुए फ्रेंड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की हम इसकी सिलाई करेंगे। इसका फंदा हम एक एक फंदा दोनों साइड से लेंगे, एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से। तो ऐसे हम सिलाई करते हुए इसकी हम यहाँ तक की सिलाई करेंगे, ये ऐसे ही हम इधर की सिलाई करेंगे, फिर हम इधर की करेंगे और फिर इधर करेंगे, यानी कि चारों तरफ की हम अपनी सिलाई ये करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने अपने चारों पीस आपस में ज्वाइन कर लिया, यहाँ से भी हमने सिलाई कर दी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, चारों तरफ से हमने इसकी सिलाई कर दी है। तो अब हम इसकी स्लीव से लेकर नीचे तक की लेंथ की सिलाई करेंगे। तो देखिए सबसे इन दोनों पीस को हम आपस में ऐसे मोड़ेंगे। तो ऐसे मोड़ते जो हमारी स्लीव्स है स्लीव्स को पकड़ेंगे, स्लीव्स की तरफ से ऐसे सिलाई करते हुए फ्रेंड्स हम नीचे की साइड तक की अपनी सिलाई कर देंगे। यहाँ स्लीव से लेकर जो नीचे के पीस हमारे फ्रंट और बैक साइड का पीस है दोनों को मिलाकर ऐसे हम इनकी सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपने यहाँ की सिलाई पूरी कर ली है स्वेटर की। तो हमारा ये पीस बनकर तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स।